हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति और स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रिकवच यूपी स्टाइल में। कई जगह पे इसे गिरवच भी बोला जाता है, कहीं रिकवच भी बोला जाता है। और ये जो अरवी का जो पत्ता होता है उसी से बनके ये रेडी होता तो मैंने है। इसे दो तरीके से बनाया है, कम इसके तेल आप में ये पकौड़े बनके भी बना तैयार भी हो सकते जाते हैं हैं। फटाफट। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक जार ले लिया। सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे रिकॉच बनाने के लिए। तो मैंने खूब ढेर सारी लहसुन और 4 से 5 हरी मिर्च ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो इसे ज़्यादा भी मिर्च डाल सकते हैं आप अपने अनुसार। इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें मत ऐड करिएगा, थोड़ा सा पानी ऐड करके और अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना के मैंने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने अरबी के जो पत्ते होते हैं वो मैंने लिया है। और ये फ्रेंड्स, जो अरबी के पत्ते हैं, ये जो गले में थोड़ी सी इचिंग होती है, इससे इस वाले पत्ते से नहीं होती, जिसकी लाइनिंग पर्पल कलर की होती है। और जो फ्रेंड्स, अगर मोटा डंठल ऐसे दिख रहा हो तो उसको आपको कट करके निकाल देना है। देख सकते हैं आप वीडियो में कैसे कट करके मैं निकाल रही हूँ। इससे ये हो जाता है कि आपको जो रोल हम इस पत्ते का करते हैं वो बनाने में इजी हो जाता है। ऐसे अगर मोटे मोटे डंठल रहेंगे तो सही से जो रोल हम करेंगे वो हो नहीं पाता है फ्रेंड्स। अरबी के पत्ते कई तरीके से फ्रेंड्स आते हैं, 2-3 तरीके से, जिसमें बहुत ज़्यादा एक पत्तों में इचिंग होती है। और यहाँ पे मैंने एक बारीक कट भी कर लिया है, देखा आपने वीडियो में, पत्तों को बारीक करके उसके पकौड़े भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है, बेसन में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करिएगा इसमें। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, और जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच। और उसी के साथ यहाँ पे आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। और यहाँ पे लहसुन और जो हमने मिर्च पीस के रखा है वो डाल देंगे। और यहाँ पे इचिंग तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे नींबू डाल दिया है 1/2। आप यहाँ पे जो आम का अचार होता है, आम को लेके और पीस के उसे भी आप डाल सकते हैं, या फिर आमचूर का पाउडर ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक एकदम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। पहले ही आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके और पानी ऐड करें। बहुत गाढ़ा इसका हमें पेस्ट जो है तैयार करना है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो इससे आपकी जो कंसिस्टेंसी इसकी होगी वो भी परफेक्ट होगी, और ज़्यादा गीला भी नहीं होगा। और बाई चांस गीला हो जाता है तो उसमें आप थोड़ा सा बेसन और ऐड करके और उसे अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अरबी के पत्ते के बहुत ज़्यादा टेस्टी पकौड़े भी बनते हैं। और ये यूपी और बिहार में ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और खाने में बहुत ही मस्त लगता है। चाय के साथ, रोटी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। और मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी मुझे, देखिए। तो यहाँ पे आपको बड़ी सी एक थाली ले लेनी है, उसके ऊपर एक बड़ा सा जो सबसे बड़ा पत्ता होगा आपको उसे नीचे रखना है फ्रेंड्स। और उसके बाद से जो हमने घोल यानी कि जो मिक्सचर बना के बेसन का तैयार किया है, इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है चारों तरफ अच्छे से। ये देख सकते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, हर चीज़ दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप एकदम परफेक्ट रिकवच जो है बना के और तैयार करें फ्रेंड्स। ये देखिए, तीनों कोनों को अच्छे से अप्लाई करना है इस बेसन के मिक्सचर को। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया है, जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ पे भी आप लगाएं। और उधर का साइड थोड़ा सा छोड़ के आप इधर की तरफ एक पत्ता और लगाएं, और फिर से वही आपको स्टेप दोहराना है, चारों तरफ बेसन का जो मिक्सचर अच्छे से अप्लाई कर देना है। इससे ये होता है कि जो हमारे पत्ते हैं अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, देख सकते हैं। और सेम ऐसे ही हम सारे पत्तों को लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इधर का थोड़ा सा साइड छोड़ा है, फिर उधर लगाया है, फिर से मैंने बेसन का जो मिक्सचर है वो अप्लाई किया है, और आराम से ये इजीली चिपक जा रहे हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल भी बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। और ये तो ख़ास तौर से काम दादी नानियों का होता है, बहुत अच्छे से वो हैंडल कर लेती हैं इस चीज़ को। तो मैं आपको यहाँ पे मैंने 6 से 7 पत्ते लगा लिए हैं फ्रेंड्स, और दोनों साइड को अच्छे से मोड़ दिया है, देख सकते हैं। और जब नहीं चिपक रहा है तो बेसन का जो मिक्सचर है वो लगा के और फिर से चिपकाएं, और इधर से भी फोल्ड करते जाएं, एकदम टाइट आपको फोल्ड करना है, ढीला करेंगे तो वो खुल सकते हैं, देख सकते हैं। और जो पत्ते निकल जा रहे हैं उसको फिर से उसमें दबा देना है। और जहाँ पर ये देखिए पत्ते जो निकल रहे हैं ना फ्रेंड्स,
इससे फिर से आपको ऐसा नहीं है कि मेरा एकदम एक ही बारी में परफेक्ट हो जाएगा, एक थोड़ा सा आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन फिर से बेसन का घोल अप्लाई करिएगा और लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे छूट रहा है, तो थोड़ा सा बेसन हम और अप्लाई करेंगे और इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप जैसे ऐसे दो तीन रोल बना के और तैयार कर सकते हैं, मैंने बस एक ही दिखाया है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है, और ये देखिए एक कोई भी कटोरी या प्लेट या फिर जाली जो भी आपके पास है पानी के अंदर रख देना है, और ध्यान रहे कि प्लेट के ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, उसके नीचे ही रहना चाहिए। और उसके ऊपर ये रोल को रख देंगे और ढक के इसे 12 से 13 मिनट पकने देते हैं। और ये देखिए 12 से 13 मिनट बाद ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका है, तो इसे हम नाइफ़ से चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ईजिली ये इसके अंदर चला जा रहा है और नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिक्वच है वो अच्छे से पक चुका है। फ्रेंड्स अगर आपके रिक्वच का रोल थोड़ा सा छोटा है तो पतला है तो वो 10 मिनट में भी पक्के और तैयार हो सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रोल को ठंडा कर लेना है, उसके बाद से ही आपको इसकी कटिंग करनी है, नहीं तो ये जो बिखर जाते हैं। और बिल्कुल अच्छे से रोल जो है ठंडा हो चुका है, आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं, ये कितने परफेक्ट तरीके से कट रहे हैं देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं होता है, तो आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है। और इसकी लेयर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये बन के तैयार हुआ है। सारे मैंने कट कर लिया, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल ऐड किया है, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम आधा छोटा चम्मच ये मेथी के दाने डालेंगे, यानी कि फेनोग्रीक डाल देंगे इसमें। इससे बहुत ही सौंधी सी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। जब ये अच्छे से चटक जाएँ तो उसमें हम अपने एक एक कटे हुए रिक्वच को डाल देंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स तो एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 से 5 एक और डालेंगे, देखिए थोड़ा सा स्पेस इसमें बना लीजिए। एक साथ आप 4 से 5 रिक्वेस्ट को सेक सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं तेल में, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं नीचे से अच्छे से सेक चुका है, थोड़ा सा इस पर अच्छा कलर आ गया है लाइट सा, तो इसे हम पलट लेंगे। अगर यहाँ पर आप सावधानी से पलटें, क्योंकि मुझे तो आदत है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो आप चाहें तो इस स्पैचुला से ऐसे पलट ले, देख सकते हैं। और बहुत आराम आराम से इसको करना है, क्योंकि ये खुलने का इसका थोड़ा सा चांस भी बन जाता है। और देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है, और ये दूसरे तरफ से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिक चुका है। आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने इसे सॉल्व कर लिया है, और ये हमारे जो परफेक्ट आप दो तरीके के अप्पे भी देख रहे होंगे, मैंने इसे एक अप्पे मेकर में भी बनाया था, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। अप्पे मेकर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, आप इसे डायरेक्ट कढ़ाई में डालकर तल भी सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।